मेरा रिजल्ट तो बोलता है, ठीक है। आप अभी शहर के 10 बैंक के ब्रांच में जाइएगा, आई थिंक 8 ब्रांच में आपको मेरा स्टूडेंट मिलेगा। मतलब कि 8 कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जिसमें हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है बच्चे। मैं आज तक ऐसा कभी नहीं किया। मैं जो भी टीचर सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका डेमो खुद लेता हूँ। अच्छा, मैं क्लास में बैठता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं उनको बोलता हूँ आप मुझको पढ़ा के दिखाओ, मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, देन आपको मैं अलाउ करूंगा। SSC GD का कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लगता है कि GD निकल जाएगा? हाँ, बिल्कुल निकल। मतलब सर लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सारे डाउट को सॉल्व भी कराते हैं। और आपको स्टूडेंट के लेवल में जाके एज ए फ्रेंडली उसके साथ होना है, ठीक है, फिर उनको आप अच्छे से सिखा सकते हैं। समस्तीपुर शहर में रह करके अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप समस्तीपुर से निकल करके पटना, दिल्ली जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां जाकर के पढ़ाई करें, क्योंकि समस्तीपुर में बेहतर शिक्षा आपको नहीं मिल सकती है, तो शायद आप गलत हैं। अभी शहर के एक पुराने कोचिंग संस्थान में पहुंचे हैं। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम एक्सीलेंट बैंक कोचिंग है और कई वर्षों से ये समस्तीपुर में स्थित है और बहुत बेहतर रिजल्ट देते आया है, ऐसा हमें सुनने को मिला है। अंदर आ सकते हैं सर, अंदर आ जाइए। अंदर घुसते ही इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक क्लास में पहुंचे हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहां पर सुनने में आया है कि कई सरकारी नौकरियों की यहां पर तैयारी करवाई जाती है और बाकी यहां पर डायरेक्टर संजय सर से भी आपको मिलाएंगे और तमाम बच्चों से भी बात करवाएंगे। आगे आ जाइए। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर एक चीज बताइए, कितने समय से एक्सीलेंट बैंक कोचिंग आप यहाँ पर चला रहे हैं? देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारा 1989 की इंस्टीट्यूशन है। 1989 की, तो ये अप्रोक्स 34 इयर्स हो गया, ठीक है। और उस समय से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जामिनेशन होती है, जैसे बैंक के लिए हुआ, रेलवे के लिए हुआ, SSC के लिए हुआ, BPSC के लिए हुआ, यहाँ तक कि अभी तो हम लोग तो टीचर वाला भी करवा रहे हैं। अच्छा। जैसे कि CTET का हुआ, अभी BPSC जो टीचर वाले एग्जामिनेशन लेंगे उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मतलब 34 साल से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट समस्तीपुर में? बिल्कुल बिल्कुल, 34 साल चल रही है। सर एक चीज बताइए, जैसे कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आते हैं, बंगाली टोला में ये स्थित है, और भी कोई आपका ब्रांच वगैरह है क्या? हाँ, एक नो अभी मैंने हाल ही में डाला है, वो काशीपुर में मैंने डाला है, है ना। वहाँ पे जस्ट लोगों का डिमांड था कि सर आपने बंगाई टोला में उतने वर्षों से रहा है, तो सर हम लोग इधर का कुछ स्टूडेंट लोग वहाँ नहीं पहुँच, कोचिंग हब है काशीपुर, हाँ तो उधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए। तो मैंने उन लोगों के कहने पे, उन लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ना उधर अपनी संस्था दी है। अच्छा सर एक चीज बताइए, जैसे कि चलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया यहाँ पर हमें बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो उसका जान जो होता है वो शिक्षकों में बसता है, तो आपके टीम का सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे आप टीचर का चयन करते हैं? देखिए ऐसा है कि आमतौर पर कहीं भी कोई कोचिंग होती है तो लोग क्या करते हैं कि टीचर को एज ए डेमो क्लास में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। मैं जो भी टीचर सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका डेमो खुद लेता हूँ। अच्छा। मैं क्लास में बैठता हूँ एज ए स्टूडेंट, मैं उनको बोलता हूँ आप मुझको पढ़ा के दिखाओ, मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, देन आपको मैं अलाउ करूंगा, ठीक है। तो मतलब कि एक डायरेक्टर, कोचिंग के एक डायरेक्टर पहले क्लास में बैठते हैं, टीचर को कहते हैं कि आप बैठ के मुझे पढ़ाइए। बिल्कुल, मैं उनका क्लास पहले लेता हूँ, वो मुझे क्लास देते हैं अपना, मैं सेटिस्फाइड होते हूँ बच्चों को, फिर मैं अलाउ करता हूँ जाके आप पढ़ा लीजिए। अच्छा। ऐसा है। तो मतलब अगर वहां पर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो टीचर तो ऐसे ही भाग जाएगा डर के? हाँ, तो वहां पर तो देखिए सेटिस्फाइड नहीं तो पढ़ा नहीं पाएंगे। अच्छा। तो कैसे उनको क्लास अलाउ करेंगे? ये बैंकिंग है, रेलवे है, SSC है, BPSC है, या मैंने बताया है कि CTET वाले का भी हम लोग करा रहे हैं, अभी तो BPSC टीचर वाला भी करा रहे हैं, और इस तरह से है। तो सर एक चीज बताइए, शहर के बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देख लिया जाए, या बच्चे ज्यादातर सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए पटना चले जाते हैं, वहां पर मुसल्लपुर हाट में बैठ के पढ़ते हैं, या फिर मुखर्जी नगर उनका सपना होता है कि वहां जाकर के तैयारी करेंगे, तो वहां से क्या बेहतर आप यहां पर बच्चों को दे रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जो कंटेंट हम लोग देते हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है, टू दी पॉइंट होता है, और मैंने अपने स्लोगन में कहा भी है, अपना देखे होंगे, टू दी पॉइंट पर एक्सलेंट पढ़े। तो इस तरह से क्या है, वो सारी तैयारी यहाँ पे अच्छे से कर ले सकते हैं, और बाहर जाके कोई अगर करेंगे तो उनका जो फी लगेगा ही, बाकी वहाँ पर एकोमोडेशन प्रॉब्लम भी है, रहने की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ को रूम रेट लगना पे लगेगा, यहाँ वो सारा खर्चा उनको बच रहा है, बच्चे घर से जा रहे हैं अच्छे स्टडी करके वापस जा रहे हैं। सर अभी तक का रिजल्ट क्या रहा है, अभी तक एक्सीलेंट बैंक कोचिंग का? ऐसा है कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं करता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरा रिजल्ट तो बोलता है, ठीक है। आप अभी शहर के 10 बैंक के ब्रांच में जाइएगा, आई थिंक 8 ब्रांच में आपको मेरा स्टूडेंट मिलेगा। मतलब कि 8 बैंक के ब्रांच में आप कह रहे हैं कि अगर 10 ब्रांच में जाएंगे तो उसमें से 8 ब्रांच में आपके पढ़ाए हुए बच्चे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। रेलवे में चले जाइए, मैं तो ब्लॉक जाता हूँ, वहाँ समझिए मेरे स्टूडेंट मिलते हैं, अब तो समझिए 4 पंचायत अगर मैं चला गया वहाँ मुखिया सरपंच मेरे स्टूडेंट ही मिलते हैं। अच्छा है कि नहीं? तो अपनी बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है और अच्छा हम लोग का रिजल्ट देते रहे हैं, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जिसमें हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है बच्चों का। बच्चों से बात कर सकते हैं इस मामले में? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। चलिए यहाँ पर आते हैं, थोड़ा समय दीजिएगा भैया, खड़े हो जाइए।
क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार शुक्ल। कितने समय से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं? दो मंथ से। दो महीने से। पिछले दो महीनों में क्या एक्सपीरियंस रहा इस कोचिंग के साथ? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है। सर पढ़ा रहे हैं? जी जी। अच्छा एक चीज बताइए, तो खुद डायरेक्टर सर हैं, ये आपको पढ़ाते हैं या बस अभी ऐसे आ गए हैं? नहीं नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश क्लास लेते हैं। इंग्लिश क्लास लेते हैं खुद डायरेक्टर सर जी। और कई स्टूडेंट है, बैठ जाइए। और कई स्टूडेंट है, जरा खड़ा होइएगा भाई। क्या नाम है आपका? रूपेश कुमार। कितने समय से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? 6 months। 6 महीने से पढ़ रहे हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? SSC की तैयारी कर रहे हैं। एक चीज बताइए, SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो पटना दिल्ली से यहाँ बेहतर लग रहा है क्या? वहाँ जाने से बेहतर लग रहा है यहाँ? यहाँ बेहतर ही है, वहाँ जाकर थोड़ा मनी प्रॉब्लम हो जाता था, यहाँ ठीक है। तो यहाँ मतलब एकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, साथ ही साथ अपने बजट में पढ़ ले रहे हैं जी। कुछ ज्यादा फी वगैरह तो नहीं है ना? जी नहीं। कई और हैं, कई लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे, जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। कितने समय से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? 4 महीने से। 4 महीने में कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? SSC GD का कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लगता है कि GD निकल जाएगा? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। कई बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर सबसे बात करने लगे तो सबकी पढ़ाई में दिक्कत आएगा, सर के पास खुद चलते हैं। जरा आप भी खड़े होइए, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मिश्रा भारती। किस चीज की तैयारी कर रही हैं? SSC के लिए। SSC का प्रिपरेशन कर रही हैं। कितने समय से यहाँ पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं? 2 months। 2 महीने से। इससे पहले किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी क्या? नहीं। तो यहाँ आने के बाद सर का कैसा व्यवहार लगा? यहाँ पर पढ़ाई किस तरीके से की जाती है? मतलब सर लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली है, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सारे डाउट को सॉल्व भी कराते हैं और सब कुछ मतलब अच्छा है। मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। सर के पास चलेंगे। सर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आजकल जहाँ पर सोशल मीडिया का जमाना है, देखने को मिलता है कई टीचर होते हैं सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करवाते हैं, उन टीचर को देखा जाता है कि पढ़ाई से ज्यादा बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। आपका क्या मानना है इस मामले में कि टीचर का वो जो पुराना ट्रेडिशनल वे था पढ़ाने का वो ज्यादा बेहतर था या फिर आजकल का ये बस मजाकिया अंदाज ज्यादा बेहतर है? देखिए ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि मजाकिया अंदाज में तो पढ़ाई हो नहीं सकती, लेकिन हाँ पूरा सीरियस होके भी पढ़ाया नहीं जा सकता। और जहाँ तक आपको स्टूडेंट लोग बताए ही है ना कि यहाँ पे सब लोग अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, सर बिल्कुल फ्रेंडली होकर के हम लोग के साथ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के डेट में क्या है ना कि अगर किसी को आपको कुछ सिखाना है तो उसके लेवल में जाके काम करना होगा। आप एज ए टीचर सोचिए कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ है ना, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको स्टूडेंट के लेवल में जाके एज ए फ्रेंडली उसके साथ होना है, ठीक है, फिर उनको आप अच्छे से सिखा सकते हैं। अच्छा सर एक चीज बताइए, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी लेटेस्ट क्या कुछ रिजल्ट अच्छा आया? किसी विद्यार्थी का नाम बताइए जिसे हम जानते हो या फिर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसा है कि अभी हाल ही का एक रिजल्ट मेरा रहा CTET 2022 का दिसंबर का जी। उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और उसके ही बहुत सारे बच्चे हैं अभी मेरे बल वाले क्लास में, जो उन लोगों को सरकार कर दिया कि नहीं अब आप BPSC से क्वालिफाई होके आइएगा देन आपका ज्वाइनिंग होगा। अच्छा। वो सारे बच्चे उधर बैठ के आप पढ़ रहे हैं अभी है ना, उनसे ही बात कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसा है कि रिजल्ट मेरा बहुत ही अच्छा है ना, और मेरा समझिए कि रिजल्ट ही मेरी पहचान है, रिजल्ट बोलता है मेरा। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर आपसे, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अव्वल है, बहुत अच्छे तरीके से उसने रिजल्ट दिया पिछले समय में और वो पढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, तो उसके लिए कुछ आप स्पेशल सुविधा देंगे क्या? देखिए ऐसा है कि प्रतिभा का सम्मान हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ और करना भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर उसके पास प्रतिभा है, अगर मेरिटोरियस है, करना चाहता है तो फिर फी बहुत भारी लगता है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों को मैंने हेल्प किया है। लेकिन हाँ बाकी वो हेल्प के लायक होते हैं ये तो मैं जज कर ही लेता हूँ, और जो मदद के लायक उनको मदद मिलना भी चाहिए और मैं ऐसा किया भी है, मैं ऐसा करना चाहता है, मुझे अच्छा लगता है। चलिए अच्छा सर जाते जाते एक सवाल का जवाब दीजिएगा, रिजल्ट तो सब लोग दे रहे हैं, पढ़ाई सब कोई करवा रहे हैं, सिलेबस सब खत्म कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा समस्या आता है जिसमें पढ़ाई पॉसिबल नहीं होती, ऐसे फिजिकली लोग बैठ के कोरोना काल में नहीं पढ़ सकते थे, तो उस समय पे क्या सिलेबस खत्म हुआ था? देखिए ऐसा है कि ये लोग तो कोरोना काल के स्टूडेंट है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना पीरियड था उस समय कोई भी इंस्टीट्यूशन चल नहीं रही थी और मैं भी कोविड अफेक्टेड हो गया था, लेकिन क्या है ना उसके बाद भी मैंने समझिए अपने घर से लाइव आके उन स्टूडेंट का मैं क्लास ले रहा था जो स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके थे। अच्छा ठीक है, जो हमसे जुड़ चुके थे और उस समय बहुत ने जुड़ा भी है ना, तो उनको मैं ना मेरा एक एप्लीकेशन है एक्सलेंट बैंक कोचिंग का, मेरा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, तो उसको लोग डाउनलोड कर रखे थे और मैं उस एप्लीकेशन के जरिए, मेरे ऐप के जरिए मैं लोगों के बीच लाइव आ रहा था और बहुत लोग अच्छा उसको मतलब कोरोना काल में आपको खुद आप कोविड से अफेक्टेड थे और बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं? नहीं एक्चुअली क्या था ना कि मेरा अब ऐसा हो गया है कि यदि मैं किसी दिन क्लास नहीं लूं तो मुझको लगता है मैं बीमार सा हो गया।
उसको क्लास लेना अच्छा लगता है। तो आपका दो ब्रांच है, एक बंगाली टोला में स्थित है और एक काशीपुर में है। लोगों के डिमांड पे मैंने काशीपुर दिया है, वहाँ भी लोगों का अच्छा सहयोग है और अच्छा वो लोग वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, क्लास भी चल रही है। स्टेशन से सर कितनी दूरी है बंगाली टोला वाला इस ब्रांच की? ये तो स्टेशन से तो मैं समझता हूँ कि लोग ऑन फुट स्टेप अगर आएंगे तो 100 स्टेप चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इनका पूरा एड्रेस आपको सामने दिख रहा होगा और कॉन्टेक्ट नंबर सामने दिख रहा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोचते हैं इस कोचिंग के बारे में और बाकी तैयारी अगर करना चाहते हैं, सिर्फ बैंक की नहीं बाकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं उन तमाम चीजों के लिए आप यहां पहुंच सकते हैं। सर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और इनके नंबर पर कॉल करके बाकी जानकारी आप ले सकते हैं।